हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सिस्टम। और आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज डेडलॉक्स, राइट। तो डेडलॉक्स के जो चार नेसेसरी कंडीशंस हैं, इनके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी हुई है, क्या क्या कंडीशंस हैं उनके बारे में मैंने बताया हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक, ठीक है। तो चार मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। पहले उनका नाम बताते हैं कि वो चार मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड इज प्रिवेंशन, डेडलॉक प्रिवेंशन, ठीक है। सेकेंड मेथड इज अवॉइडेंस, ठीक है, अवॉइडेंस। थर्ड मेथड इज डिटेक्शन एंड रिकवरी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इग्नोरेंस। तो ये हमारे पास चार मेथड्स हैं। बहुत मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, इनके बारे में अलग अलग एक सेपरेट वीडियो बनेगा कि प्रिवेंशन कैसे करना है, अवॉइडेंस कैसे करना है, डिटेक्शन कैसे करना है और इग्नोरेंस का क्या है। इग्नोरेंस अलग से जानने की जरूरत नहीं है। इग्नोरेंस मतलब सिस्टम में डेडलॉक अकर हुआ, जस्ट इग्नोर इट, रीस्टार्ट द सिस्टम। जैसा हम यूजुअली करते हैं, भाई हमारा फोन या मोबाइल लैपटॉप अगर हैंग हुआ है, इसका मतलब सिस्टम में डेडलॉक हुआ है, ठीक है। तो वी जस्ट रीस्टार्ट द सिस्टम, है ना, ताकि हम हैंग स्टेट से बाहर आ सके। तो ये अप्रोच क्या है, इग्नोरेंस। और मैक्सिमम जो आपके OS है, ये इग्नोरेंस का अप्रोच लेके चलते हैं। तो समझने की बात ये है कि अलग अलग हैंडलिंग मेथड के अलग अलग यूजेस हैं। मतलब कब हमें प्रेवेंट करना है, कब हमें अवॉइड करना है, कब डिटेक्ट करना है, ये सारी बातें हमें करनी है, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ हैंडलिंग द डेडलॉक, जो हमें अगली स्लाइड में आपको ये मिल जाएगा, फाइन। तो इसको रिमूव करते हैं, हम लोग आ जाते हैं कि पॉसिबल फॉर OS टू डील विद डेडलॉक इन वन ऑफ द थ्री वेज। मीन्स वी कैन डील विद डेडलॉक इन थ्री वेज। इंश्योर दैट सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। मतलब आप एक इस तरह से, मतलब इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि आपके सिस्टम में कभी डेडलॉक आएगा ही नहीं। अब मैं इसको एक साथ इसको सॉल्व करते चलती हूँ। ऐसा आप कैसे कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंशन और या फिर अवॉइडेंस, ठीक है। तो अगर प्रिवेंशन या अवॉइडेंस इन दोनों में से कोई एक अप्रोच आप लेते हैं, देन यू कैन इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर द डेडलॉक स्टेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका आता है अलाउ द सिस्टम टू एंटर द डेडलॉक, अलाउ द सिस्टम टू एंटर द डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर, ठीक है। मतलब आपके सिस्टम में डेडलॉक हो, उसके बाद आप उससे रिकवर करिए। तो ये तीसरा मेथड है डेडलॉक डिटेक्शन। मतलब भाई आपके सिस्टम में डेडलॉक होगा तभी तो आप डिटेक्ट करेंगे, मतलब पॉसिबिलिटी है डेडलॉक होने की, तभी तो आप डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या है कि अलाउ द सिस्टम टू इंटर द डेडलॉक, इंटर ए डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर। तो ये आपका है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, है ना, डिटेक्शन एंड रिकवरी। एंड लास्ट वन इज आपका ऑस्ट्रिच अप्रोच या फिर इग्नोरेंस, ठीक है। अलग अलग भी आपको मिल जाएगा, अभी मैं बताती हूँ सबका भी, एक मतलब नाम ऐसे बता रही हूँ। इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर अकर इन सिस्टम, दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच अप्रोच, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रिच अप्रोच। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया, देयर आर फोर मेथड्स टू डील विद द डेडलॉक, प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस, मैंने इसे शॉर्ट में PNA लिखा है, डिटेक्शन एंड रिकवरी, ये आपका ये वाला मेथड है, एंड देन इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड द सिस्टम, प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर अकर इन सिस्टम यूज्ड बाय मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग द लिनक्स, है ना, इंक्लूडिंग लिनक्स, नॉट यूजिंग द लिनक्स, ठीक है। सो दीज आर द मेथड। और मैंने आपको ये चीज जो यहाँ इस स्लाइड पे लिखा है आपको ऑलरेडी बता दिया है, टू इंश्योर दैट डेडलॉक नेवर अकर सिस्टम यू कैन यूज डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक प्रिवेंशन करते कैसे हैं, आपको पता है कि आपके पास डेडलॉक के अकर होने की चार कंडीशंस हैं। मतलब चार कंडीशन एक साथ अकर होंगी तब आपके सिस्टम में डेडलॉक होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर आप उन चार कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को भी मतलब फेल कर देते हैं, जैसे चार कंडीशन क्या क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्प्शन एंड लास्ट वन इज सर्कुलर वेट। तो ये हमारे पास चार है, इनमें से अगर आप किसी एक को भी रोक लेते हैं, देन इट मीन्स दैट यू हैव प्रिवेंटेड द डेडलॉक। तो इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द फोर कंडीशंस फॉर डेडलॉक कैन नॉट होल्ड। तो ये इस तरह से मैं प्रिवेंशन करना, इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो एक अपलोड करूंगी, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। सेकेंड मेथड इज डेडलॉक अवॉइडेंस, दैट रिक्वायर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम बी गिवन कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट विच रिसोर्स अ प्रोसेस विल रिक्वेस्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा आपका, या इसके लिए आप अगर आपने बैंकर एल्गोरिथम थोड़ा बहुत जाना हो या रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में आपको जानकारी हो, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आपका जो सिस्टम है OS ये जान पाए कि हमारा सिस्टम इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के बाद सेफ स्टेट में रहेगा
मतलब डेडलॉक से सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, और उस हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है। तो नेक्स्ट आपका ये हुआ अवॉइडेंस। इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें हम लोग डिटेल में बैंकर्स एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। तो बैंकर्स एल्गोरिथम कम्स अंडर द डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इग्नोरेंस, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मेक इंटेलिजेंट डिसीजन अबाउट व्हेन अ प्रोसेस शुड बी एलोकेटेड अ रिसोर्स, दिस इज अबाउट द डेडलॉक अवॉइडेंस, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दीज आर डिफरेंट मेथड। तो अब हम लोग एक थोड़ा थोड़ा एक समरी वो कर लेते हैं कि अच्छा, दो मेथड हमने देख लिया, प्रिवेंशन, गो टू प्रीवियस वन, प्रिवेंशन अवॉइडेंस, ठीक है। अब थर्ड हमारा है कौन सा, डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो इफ अ सिस्टम डजंट यूज प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस, तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक अकर हो सकता है, आ डेडलॉक सिचुएशन में इवेंचुअली अराइज। तो उस केस में सो यू नीड सम वे टू डिटेक्ट द डेडलॉक। सबसे पहले आपको ये देखना होगा क्या सिस्टम में डेडलॉक है। भाई अगर आप मतलब अवॉइडेंस या प्रिवेंशन दोनों में से कोई भी नहीं यूज कर रहा है, इसका मतलब डेडलॉक हो सकता है। और अगर हो सकता है देन यू शुड हैव सम वे टू डिटेक्ट द डेडलॉक। सो उसके लिए हमें डेडलॉक डिटेक्शन करना है एंड यू नीड सम वे टू रिकवर फ्रॉम दीज सिचुएशन, दैट इज योर डेडलॉक रिकवरी, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि ये बहुत आसान सा टॉपिक है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं मैम समझ नहीं आया, तो देन वी विल टॉक अबाउट दैट, राइट। सो नेक्स्ट इज इफ अ सिस्टम डजंट यूज डेडलॉक डिटेक्शन अवॉइडेंस एंड डजंट यूज डेडलॉक रिकवरी, ये कोई भी मेथड अगर आपका यूज नहीं हो रहा है, तो द सिस्टम परफॉर्मेंस में इवेंचुअली डिक्लाइन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिस्टम को रीबूट करेंगे, मींस आपका सिस्टम उसमें डेडलॉक स्टेट में जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट हैंडलिंग मेथड्स। अब थोड़ा बहुत मैं इसमें खुद से ऐड ऑन करती हूँ कि आपका देखिए, जितना आप ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करेंगे, जैसे अगर आप प्रिवेंशन, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है, प्रिवेंशन है ना, मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत का काम कौन सा वाला है, प्रिवेंशन, ठीक है। उससे आसान कौन सा है, अवॉइडेंस, ठीक है। उससे आसान क्या है, डिटेक्शन एंड रिकवरी, और सबसे आसान क्या है, इग्नोरेंस। ऑब्वियसली इग्नोरेंस सबसे आसान हुआ, राइट। तो प्रिवेंशन में क्या हो रहा है कि आपको देखो, आपको तय करना है कि किस तरह के सिस्टम के लिए हमें कौन सा अप्रोच लेना है। आपके पास चार मेथड हैं, ऐसा नहीं किसी एक सिस्टम के लिए सारे फीजिबल है। देखिए प्रिवेंशन मतलब डेडलॉक किसी भी हाल में नहीं होगा, मतलब जैसे अगर आपके हॉस्पिटल, आप किसी हॉस्पिटल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ओएस बना रहे हैं, और वहाँ पे अगर एक सेकंड के लिए भी आपका मशीन या ओएस काम करना बंद करता है या डेडलॉक अकर होता है उस सिस्टम में, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की जान जा सकती है। मींस ये बहुत ही क्रूशियल केस है, राइट। तो इस केस में हमें प्रिवेंशन अप्रोच लेना पड़ेगा, जहाँ पे जान की हानि हो सकती है, जहाँ पे लोगों की लाइफ डेंजर में जाए, किसी ऐसे सिस्टम के लिए अगर आप ओएस डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पे डेडलॉक का होना जानलेवा हो सकता है, तो उस केस में आपको हमेशा प्रिवेंशन अवॉइडेंस यूज़ कर सकते हैं। मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा, डेडलॉक का होना क्या रिजल्ट जनरेट करेगा, उसके बेसिस पे हम तय करेंगे, क्या तय करेंगे कि आपको कौन सा अप्रोच लेना है। अगर बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है देन वी विल गो फॉर प्रिवेंशन, अगर उससे कम नुकसान हो रहा है, मतलब आप चेक करने के लिए थोड़ा समय दे सकते हैं, तो उसके लिए अवॉइडेंस। और अगर आप थोड़ी देर के लिए डेडलॉक होने के बाद आप रिकवर करें, उससे कोई नुकसान नहीं होता, तो गो फॉर डिटेक्शन एंड रिकवरी। एंड लास्ट वन इज इग्नोरेंस। थोड़ा सा आई हैव सम इशूज़ विद माई लैपटॉप एंड राइटिंग पैड, इस वजह से मैं मोबाइल में वीडियोस बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर वीडियो में प्रॉब्लम आए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द डेडलॉक। और अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको सबका, इग्नोरेंस को छोड़ के, भाई इग्नोरेंस मीन्स जस्ट इग्नोर करना, आपके पास उसके लिए कोई सेपरेट मेथड या डिटेल्ड अप्रोच नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिबूट द सिस्टम, राइट। तो हमें प्रिवेंशन अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन एंड रिकवरी पे अगर आप कहेंगे तो बात करेंगे, बट मेरा टारगेट है कि मैं प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस को जरूर कंप्लीट करूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।